हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ एक्सरसाइज 5.1। 5.1 के क्वेश्चन 1 to 6 हम हमारी पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7, fx इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस 3। इफ़ एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है कि या तो -3 के इक्वल होगा या -3 से लेस देन होगा। -2x इफ़ -3 ग्रेटर देन एक्स या फिर लेस देन 3। 6x प्लस 2 इफ़ एक्स। अब हमें तीन कंडीशन दी हुई है, तीनों कंडीशन से हमें क्या बताना है कि किस किस पे तो हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और किस किस पे फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, किस पे डिसकॉन्टीन्यूस है। पहले तो हम क्या देखते हैं, जो हमें लेस देन और ग्रेटर देन में दिया हुआ फंक्शन, वहाँ से हम क्या निकालेंगे, पॉइंट। पॉइंट हमारे पास क्या है, -3, -3, 3, 3 मीन्स -3 और 3। और हर एक पॉइंट के लिए हमारे पास कम से कम हमें हर एक पॉइंट के लिए कितनी कंडीशंस की ज़रूरत होती है, 3 कंडीशंस की, लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। ये तीनों कंडीशंस अगर हमारे पास हैं तब हम क्या फाइंड करते हैं कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस है या डिसकॉन्टीन्यूस। देखते हैं, लेट अस एग्जामिन द कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू -3। पहले हम किसके लिए करके देखते हैं कि एक्स इज इक्वल टू -3 के लिए फंक्शन कॉन्टीन्यूस है या डिसकॉन्टीन्यूस है। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू -3 -h। लेफ्ट हैंड लिमिट, जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट में पुट करेंगे क्या, -3 -h, इट मीन्स हमें जो -3 है उससे कम वैल्यू मिलेगी, तो हमें फंक्शन क्या है, फर्स्ट फंक्शन है मोड ऑफ एक्स प्लस 3, तो फंक्शन क्या आएगा, मोड ऑफ एक्स प्लस 3। लिमिट एच टेंस टू 0, एक्स की वैल्यू हमने रिप्लेस कर दी -3 -h, प्लस 3 आ जाएगा हमारे पास। फिर एच टेंस टू क्या है, 0, तो क्या करेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0 -3 -0 प्लस 3। अब ये हमारे पास 0 है, -3 का मोड क्या आएगा, प्लस 3, 3 प्लस 3 6। नेक्स्ट है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में हमें क्या दे रखा है कि -3 के अंदर कुछ ऐड कर दिया, अगर हम -3 में कुछ ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -3 से बड़ा आएगा, और -3 से अगर बड़ा है हमारे पास x तो क्या है फंक्शन, -2x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा फंक्शन, -2x इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 -2x की जगह हमने रिप्लेस कर दिया -3 प्लस h। फिर हम अप्लाई करेंगे क्या, एट x इज इक्वल टू -3 -3, हम यहाँ अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद क्या आएगा, -3 की और -2 की क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी, और इसकी क्या आ जाएगी, -2h, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0, ये क्या आ जाएगा, 6। उसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट क्या है कि x इज इक्वल टू -3 के लिए क्या है, इक्वल के लिए भी फंक्शन क्या है, मोड ऑफ x प्लस 3, तो फंक्शन के अंदर अप्लाई करेंगे f ऑफ -3 इज इक्वल टू मोड ऑफ -3 प्लस 3, -3 का मोड भी क्या आएगा, प्लस 3, 3 प्लस 3 6। सो फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू -3। अब हमारे पास तीनों इक्वल हैं तो क्या बोल देंगे, फंक्शन कॉन्टीन्यूस है किसके लिए, एट एक्स इज इक्वल टू -3 के लिए। लेट अस एग्जामिन द कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 3। फिर हम एक्स इज इक्वल टू 3 के लिए प्रूव करेंगे। इसी तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट है, लिमिट क्या आ जाएगी, 3 -h, 3 से हमारे पास कैसी है, कम वैल्यू है, 3 से कम वैल्यू है, तो हमारे पास फंक्शन क्या है, -2x, -2x अप्लाई करेंगे, h टेंस टू 0 -2, h x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 3 -h, -2 की और 3 की मल्टीप्लाई -6, और ये हमारे पास क्या होगा, 0। नेक्स्ट है राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एच, 3 के अंदर कुछ ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या है फंक्शन, 6x प्लस 2, 6x प्लस 2 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, 6x की जगह हमने पुट किया 3 प्लस h प्लस 2, 3 6 18, और प्लस 2 कितना आ जाएगा हमारे पास, 20। f ऑफ 3 इज इक्वल टू, जब हम फंक्शन के अंदर 3 पुट करेंगे तो इक्वल के लिए फंक्शन क्या है, 6x प्लस 2, 6 × 3 + 2, 6 × 3 = 18 + 2 = 20। हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f3। राइट हैंड लिमिट और f3 इक्वल है बट लेफ्ट हैंड लिमिट इनके इक्वल नहीं है, सो फंक्शन इज डिसकॉन्टीन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। हमारे पास क्या आया कि -3 के लिए फंक्शन कॉन्टीन्यूस है बट x इज इक्वल टू 3 के लिए फंक्शन कैसा है, डिसकॉन्टीन्यूस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, fx इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स बाई एक्स इफ़ एक्स नॉट इक्वल टू 0 और 0 इफ़ एक्स इज इक्वल टू 0। आपको तीन कंडीशन दी हुई हैं, इसमें तीनों कंडीशन यहीं से निकाल लेंगे हम। कैसे, एक्स इज इक्वल टू 0, 0 के लिए हमारे पास कंडीशन है
कि इक्वल के लिए क्या कंडीशन है, जीरो, और नॉट इक्वल, नॉट इक्वल मीन्स इससे लेस देन भी होगा और इससे ग्रेटर देन भी, दोनों हमारे पास फर्स्ट के कंडीशन के अंदर आ जाएंगे कि लेस देन भी आ जाएगा इसके अंदर और ग्रेटर देन भी, ठीक है। लेट अस एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एट एक्स इज इक्वल टू जीरो के लिए। सबसे पहले हम पॉइंट पे वैल्यू निकालेंगे फंक्शन की, एफ जीरो, जब हम एफ जीरो करेंगे तो इक्वल के लिए क्या है हमारे पास फंक्शन जीरो, ये जीरो आ जाएगा। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करेंगे एक्स टेंस टू जीरो माइनस एच, मोड ऑफ एक्स बाई एक्स, लेफ्ट और राइट दोनों के लिए हमारे पास सेम फंक्शन है, मोड ऑफ एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो मोड ऑफ एक्स जीरो माइनस एच मोड अप बाई जीरो माइनस एच। अब जीरो माइनस एच है हमारे पास, यहाँ से अगर हम मोड करेंगे तो क्या आएगा एच, और नीचे क्या है माइनस एच, एच से एच कैंसिल, क्या आ जाएगा माइनस वन। फिर हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एच मोड ऑफ एक्स बाई एक्स लिमिट एच टेंस टू जीरो, एक्स की जगह हमने रिप्लेस कर दिया जीरो प्लस एच बाई जीरो प्लस एच, ऊपर से जब हम मोड ओपन करेंगे क्या आएगा एच, नीचे भी क्या एच, एच से एच कैंसिल, क्या आया वन। अब तीनों इक्वल नहीं है, जीरो माइनस वन वन, तीनों अलग अलग है। लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू एफ जीरो, फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस दैट एक्स इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई मोड एक्स इफ एक्स हमारे पास कैसा दे रखा है लेस देन जीरो माइनस वन, इफ एक्स ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो। लेट अस एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, जीरो के लिए हम कंटिन्यूटी प्रूव करेंगे कैसे, एफ जीरो इज इक्वल टू माइनस वन। हम जब इक्वल के लिए रख के देखते हैं एफ जीरो, जीरो हमारे पास क्या दे रखा फंक्शन माइनस वन, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट क्या आ जाएगा एक्स टेंस टू जीरो माइनस एच, अप्लाई करेंगे जीरो माइनस एच अपॉन जीरो माइनस एच का मोड, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा माइनस एच बाई एच, एच से माइनस एच कैंसिल हो जाएगा, क्या आया माइनस वन। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में जीरो के अंदर हमने कुछ ऐड कर दिया, कुछ ऐड कर दिया तो फंक्शन क्या है ग्रेटर के लिए माइनस वन, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन माइनस वन, यहाँ एक्स का कुछ भी नहीं है तो एज इट इज आएगा माइनस वन। अब हमारे पास तीनों कैसे इक्वल, तो क्या बोल देंगे सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इफ एक्स ग्रेटर देन या इक्वल टू वन, एक्स की वैल्यू या तो वन के इक्वल होगी या वन से ग्रेटर होगी। लेट अस एग्जामिन द कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू वन, दो फंक्शन आपको दे रखा है, हम प्रूव करेंगे कि कंटिन्यूटी किसके लिए एक्स इज इक्वल टू वन के लिए। सबसे पहले हमने वन अप्लाई किया एफ वन, इक्वल के लिए फंक्शन फर्स्ट है एक्स प्लस वन, एक्स की जगह वन करेंगे वन प्लस वन क्या आ जाएगा टू। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या है लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस एच, वन माइनस कर दिया कुछ कम कर दिया तो फंक्शन क्या है एक्स स्क्वेयर प्लस वन, तो हम क्या करेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस वन के लिए लिमिट एच टेंस टू जीरो, एक्स की जगह क्या पुट करेंगे वन माइनस एच का स्क्वेयर प्लस वन, इसका होल स्क्वेयर ओपन करेंगे वन प्लस एच स्क्वेयर माइनस टू एच प्लस वन, एच टेंस टू जीरो है ये भी जीरो ये भी जीरो, क्या आएगा वन प्लस वन, क्या आ जाएगा वन प्लस वन टू। नेक्स्ट है राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे एक्स टेंस टू वन प्लस एच, कुछ ऐड कर दिया तो हमारे पास फंक्शन किस में जाएगा फर्स्ट में, क्योंकि अगर हम वन में कुछ ऐड करेंगे तो वन से बड़ी वैल्यू आएगी हमारे पास, एक्स प्लस वन फंक्शन रखेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो, एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास वन प्लस एच प्लस वन, एच की वैल्यू एच टेंस टू जीरो है ये जीरो हो जाएगा, क्या आएगा वन प्लस वन इज इक्वल टू टू। अब हमारे पास तीनों क्या है इक्वल, एफ वन इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री इफ एक्स ग्रेटर सॉरी इफ एक्स क्यूब माइनस, ये हमारे पास क्यूब दे रखा है, ये है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस थ्री, एक्स क्यूब माइनस थ्री है, कब है ये फंक्शन हमारे पास जब एक्स की वैल्यू हमारे पास या तो टू है या फिर टू से छोटी हमारे पास लेस देन या इक्वल टू टू, एक्स स्क्वेयर प्लस वन कब है जब एक्स की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन टू। लेट अस एग्जामिन द कंटिन्यूटी पॉइंट, हमारे पास क्या आया टू एट एक्स इज इक्वल टू टू के लिए, एफ टू पहले हम इक्वल के लिए फंक्शन लेके चलेंगे तो इक्वल टू टू के लिए लेंगे तो क्या है एक्स क्यूब माइनस थ्री, एक्स की जगह क्या पुट करेंगे टू, टू क्यूब माइनस थ्री, टू का क्यूब एट माइनस थ्री, एट माइनस थ्री क्या आएगा फाइव,
लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 माइनस h, 2 माइनस h लेस के लिए फंक्शन क्या आ जाएगा, x³ - 3 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, x को हमने रिप्लेस कर दिया 2 माइनस h³ - 3। अब हमारे पास h 0 है तो ये 0 हो जाएगा, क्या आएगा 2³ - 3, 2 का क्यूब क्या है 8 - 3, क्या आ जाएगा 5। नेक्स्ट है राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के लिए अप्लाई करेंगे फंक्शन क्या x² + 1, लिमिट x टेंस टू 2 + h, x² + 1 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह क्या अप्लाई करेंगे 2 + h² + 1, h हमारे पास 0 हो जाएगा, 2 का स्केयर क्या आ जाएगा 4 + 1 = 5, तीनों हमारे पास क्या है 5, अगर तीनों इक्वल हैं तो फंक्शन क्या आ जाएगा हमारे पास कॉन्टीन्यूअस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, fx इज इक्वल टू x⁻¹⁰ इफ x इक्वल टू और लेस देन 1, x हमारे पास क्या दे रखा है लेस देन और इक्वल टू 1, x² इफ x ग्रेटर देन 1। लेट अस एग्जामिन द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1 के लिए अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमारे पास फंक्शन इक्वल के लिए क्या दे रखा है x⁻¹⁰, x⁻¹⁰, x को हम क्या 1 रिप्लेस करेंगे f1, 1⁻¹⁰, 1⁻¹⁰ करो या 20 करो या 100 करो क्या आएगा हमेशा 1, 1 - 1 = 0। फिर है लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट क्या आ जाएगी x → 1 - h, x⁻¹⁰ इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, x⁻¹⁰ क्या लिखेंगे 1 - h⁻¹⁰ - 1, h हमारे पास 0 है तो क्या लिखेंगे 1 - 0⁻¹⁰ - 1, 1⁻¹⁰ हमारे पास क्या आएगा 1 - 1 = 0। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या आएगा 1 से कुछ बढ़ाएगा, बढ़ाएगा तो हमारे पास फंक्शन क्या है x² अप्लाई कर देंगे, लिमिट x टेंस टू 1 + h, x² इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह हम क्या प्लेस करेंगे 1 + h² 1 एज इट इज, h हमारे पास क्या है 0² 1 का होल स्केयर भी क्या आएगा 1, सो फंक्शन f1 हमारे पास क्या था 0, f लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है 0, लेकिन राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या है 1, लेफ्ट हैंड लिमिट और f1 इक्वल है बट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, सो फंक्शन इज डिसकॉन्टीन्यूअस। नेक्स्ट है इज द फंक्शन डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू x + 5 इफ x लेस देन और इक्वल टू 1, x - 5 इफ x ग्रेटर देन 1। एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन हमें ये बताना है कि आपको जो ये एक फंक्शन दिया हुआ है ये कॉन्टीन्यूस फंक्शन है या नहीं। लेट अस एग्जामिन द कॉन्टीन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1, हम कॉन्टीन्यूटी को देखते हैं x इज इक्वल टू 1 के लिए, एफ एक्स इज इक्वल टू इक्वल के लिए फंक्शन क्या है x + 5, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या x + 5, वेन x इज इक्वल टू 1 अप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 1 + 5 इज इक्वल टू 6। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या है x + 5, लिमिट x टेंस टू 1 - h हो जाएगा, x + 5 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 और हमारे पास x की जगह क्या आएगा 1 - h + 5, 1 एज इट इज, h हमारे पास 0 हो गया, प्लस 5 क्या आ गया 6, तो हमारे पास ये आया 6। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में कुछ ऐड हो गया तो ज़्यादा होगा और ज़्यादा के लिए फंक्शन क्या है x - 5, लिमिट हमारे पास क्या आएगी x → 1 + h, फंक्शन आया x - 5 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह हमने रिप्लेस किया 1 + h - 5 इज इक्वल टू, h हमारे पास 0 आ जाएगा, क्या आएगा 1 - 5, ये हमारे पास क्या है -4। f1 और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों 6 हैं बट राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू, f1 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो फंक्शन इज डिसकॉन्टीन्यूअस, तो हम फंक्शन को क्या बोल देंगे डिसकॉन्टीन्यूअस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, डिस्कस द कॉन्टीन्यूटी ऑफ द फंक्शन, आपको एक फंक्शन दिया हुआ है इसके लिए हमें कॉन्टीन्यूटी डिस्कस करेंगे। देखो इस फंक्शन के अंदर आपको क्या क्या दिया हुआ है, fx इज इक्वल टू 3, इफ आपको 3 कंडीशन दी हुई है, तीनों के लिए लिमिट अलग अलग दी हुई है आपको, देखो किस किस के लिए दे रखी है 0, 1, 3 और 10,
दे रखी है। अब हमें क्या देखना है कि हमें वो पॉइंट निकालने हैं जिनके लिए हमारे पास तीनों कंडीशंस के लिए फंक्शन है, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल, तीनों जिसके लिए हमारे पास हैं उनके ऊपर हम कंटिन्यूटी को फाइंड करेंगे, अदर पॉइंट को हम नेग्लेक्ट करेंगे। देखो जीरो है, जीरो के लिए हमारे पास कितने फंक्शन है, ओनली टू फंक्शन है, क्योंकि दो फंक्शन के लिए तीसरा तो हमारे पास फंक्शन है ही नहीं जीरो का। x के लिए क्या है, 1, 2 और एक फंक्शन ये आ गया 3, तो x के 1 के लिए जब हम लेके चल रहे तीन फंक्शन हो गए तो 1 के लिए प्रूव करेंगे, फिर 3 के लिए एक फंक्शन यहाँ है और 2 यहाँ है, तीन फंक्शन हो गए 3 के लिए भी प्रूव करके दिखाएंगे। 10 के लिए कितने फंक्शन दे रखे हैं, ओनली 2, तो 10 को भी नेग्लेक्ट करेंगे। 0 और 10 हमारे पास क्या हो गया, नेग्लेक्ट है। अब हम किसके लिए अप्लाई करके देखते हैं, 1 और 3 के लिए कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस। देखो लेट अस एग्जामिन कॉन्टिन्यूटी ऑफ f। अब हम क्या करेंगे, एग्जामिन कॉन्टिन्यूटी ऑफ f, f की जो कॉन्टिन्यूटी है उसको करेंगे एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1। किस पॉइंट के लिए, x इज इक्वल टू 1 के लिए f1, जब हमने x की वैल्यू क्या पुट की, 1। अगर हमने इसकी वैल्यू 1 अप्लाई की तो हमारे पास क्या आता है, 3, तो हमारे पास क्या आया, 3। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, x टेंस टू 1 माइनस h, 1 से लेस है, 1 से लेस के लिए भी फंक्शन क्या है, 3, तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 क्या है, 3, तो एज इट इज 3 आ गया। फिर राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में क्या आ जाएगा, x टेंस टू 1 प्लस h, 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, तो फंक्शन क्या आया, 4, तो हम क्या लिखेंगे, 4, लिमिट h टेंस टू 0 एज इट इज 4 आ जाएगा, कॉन्स्टेंट है, क्या आया, 4। अब देखते हैं f1 3 है, लेफ्ट हैंड लिमिट 3 है बट राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू 3, क्या बोल देंगे, f1 is equal to left hand limit but not equal to right hand limit, so function is discontinuous at x is equal to 1, at x is equal to 3। फिर x is equal to 3 के लिए लेके चलते f3, हमने 3 apply किया, क्या आया, f3 is equal to 5। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट हमने अप्लाई कर दिया 3 माइनस एच, जब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं तो हमारे पास फंक्शन क्या दे रखा है कि 3 से लेस के लिए फंक्शन क्या है, 4, तो हमने क्या रखा, 4, हमारे पास लिमिट एच टेंस टू 0, 4 इज इक्वल टू आ गया 4। फिर हमारे पास राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या है, 5, लिमिट एक्स टेंस टू 3 प्लस एच 5 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 5, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 5। अब हमारे पास f3 और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल है बट लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल है, देन फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3 के लिए, तो हम क्या बोल देंगे, फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है। ओके, आज हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।